हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो सी लैंग्वेज की है और सी लैंग्वेज में एक छोटा सा सवाल ये देख सकते हैं। यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा गया है, ठीक है। अब इसमें शुरुआत में इंटीजर डेटा टाइप का यूज किया गया है और यहाँ पर आई इक्वल टू वन दिया गया, यानी आई में इनिशियलाइज किया गया है वन। यहाँ पर व्हाइल लूप लगाया गया है। एक मिनट, इसको ये यहाँ से, हाँ। अब देखिए, सोचिए जरा आप कि ये जो व्हाइल लूप है, अब इसमें रिजल्ट क्या आना चाहिए। देखिए, आई में क्या इनिशियलाइज है, वन इनिशियलाइज है, और वन क्या टेन से छोटा है? हाँ छोटा है भाई, छोटा है, बराबर भी नहीं है। तो यहां पर क्या प्रिंट हो जाए? सूरज प्रिंट हो जाए, ठीक है। अब ये प्रिंट हो जाएगा, फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई की वैल्यू वही रहेगी, लेकिन ये इंक्रीमेंट होता चला जाएगा, इंक्रीमेंट होता चला जाएगा, इंक्रीमेंट होता चला जाएगा, इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। तो फिर ये रुकेगा ही नहीं कभी, जब नहीं रुकेगा तो एंडलेस जो है, एंडलेस बार ये नाम प्रिंट हो जाएगा। देखिए मैं करके दिखाता हूं, ये देख रहे हैं कितनी बार ये नाम प्रिंट हो रहा है। ये लूप रुकेगा, ये जो लूप लगाया हमने व्हाइल लूप, ये रुकेगा नहीं, ये चलता जाएगा, इंक्रीमेंट करता जाएगा, बार बार इंक्रीमेंट करेगा तो वही चीज प्रिंट हो जाएगी, और इसीलिए इसमें एंडलेस बार ये नाम प्रिंट होगा, ठीक है।